मेरा फर्म का नाम है रॉयल एनर्जी स्टेशन सिलचर आसाम। तो आज मुझे कहा गया है जो प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए, उत्कर्ष यूपीवीसी सीपीवीसी ब्लू पाइप एग्रीकल्चर फिटिंग्स एंड पाइप एचडब्ल्यूएम फिटिंग्स। हमारा क्वालिटी तो लाजवाब ही है, क्वालिटी बेहतर है, जिसके लिए तो हम लोग काम कर पा रहे हैं। क्वालिटी के बारे में मैं बोलूं तो कम ही होगा उत्कर्ष के बारे में। और उसका सबसे बड़ा रीजन और बोलिए प्लस पॉइंट है, हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा है ही, उसके साथ उसका रेट रिजनेबल है। जो अलग कंपनी का रेट से हमारा रेट थोड़ा कम है, उसके वजह से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगता है आज के दिन में वही है, जो रेट कम होना, उसके वजह से हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं और आगे भी हम लोग ग्रो कर पाएंगे। उसके लिए थोड़ा थोड़ा जो चीज है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे हो गया, हम लोग का कुछ कुछ फिटिंग्स नहीं है यूपीबीसी में या एचडब्ल्यूआर में, खास करके यूपीबीसी। वो यूपीबीसी का जो जो फिटिंग्स नहीं है वो अगर बनना, हमारा कंपनी बनाना शुरू कर दे तो उसके लिए हमें ग्रोथ बहुत ज्यादा मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, उसके वजह से हमें कोई अलग कंपनी से माल मंगवाना पड़ता है, वो लोग का भी नखरा रहता है, अब बाकी माल लेते नहीं हो, ये माल लेते हो, तो उसके लिए हमें दिक्कत होता है। वो चीज़ अगर बनना शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और हमारा बरागदली या आसाम में बोलिए नरेंद्र जी ने, जो खास करके मुझे जो सिलचर में नरेंद्र जी ने जो मुझे सपोर्ट दिया है, उनके सपोर्ट का बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया है, उनके सपोर्ट से ही मैं पहले सिलचर में थोड़ा थोड़ा लेके माल बेचता था, आज उनके सपोर्ट से वजह से मैं क्वांटिटी में माल मंगवा पाता हूँ। उनका बहुत कॉन्फिडेंस दिए हैं उन्होंने, उस कॉन्फिडेंस के वजह से मैं आगे बढ़ पाया हूँ। तो नरेंद्र जी बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। उसके अलावा प्रोडक्ट तो हमारा अच्छा है ही, प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं समझता हूँ मैं। उसके अलावा जो कुछ कुछ एक्टिविटीज है, शायद वो चीज़ में हम कहीं अलग कंपनी से हम लोग पीछे हैं। क्योंकि देखिए ऐसे बेस्ट कंपनी सब प्रोडक्ट ही अच्छा रहता है सब कंपनी का। इन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जो मार्केट एक्टिविटीज होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, डीलर मीट, प्लम्बर मीट, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में पीछे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ जो हमारा नहीं होता है, लेकिन उनसे हमारा बहुत ग्रो कम है। इस चीज़ में हम लोग बहुत पीछे हैं, इस चीज़ को हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज़ के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें, ये चीज़ अगर हम लोग अच्छे से कर पाए, ज़्यादा नहीं उन वो जैसा कर रहे वैसा ही अगर हम लोग कर पाए, हम लोग बहुत आगे तक बढ़ेंगे और आने वाले दिन में और ग्रोथ मिलेगा सेल में, हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। ये छोटा छोटा चीज़ हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ आजकल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही डिपेंड है। प्लम्बर लोग कोई भी माल दे दो, प्लम्बर अगर खुश है तो वो बोलेगा ये माल भी अच्छा है, तो हमारा माल तो अच्छा ही है। उसके साथ अगर हम लोग प्लम्बर डीलर को डिस्ट्रीब्यूटर को अगर खुश कर पाए, तो उससे क्या होता है, मैं ग्राउंड लेवल में काम करता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद मिलता हूँ डीलर लोग से। तो मैं ये चीज़ आपके सामने रखना इसलिए चाहता हूँ, जो देखिए मैं आज तो काम कर रहा हूँ, मैं आगे भी काम करना चाहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ अगर ये सब सपोर्ट मुझे मिले, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ, मैं चीज़ अपने लिए बोल रहा हूँ, अगर ऐसी चीज़ मुझे मिले तो मैं अपने आप को ग्रोथ कर पाऊँगा, मैं अपने आप को अगर ग्रोथ कर पाऊँगा तो कंपनी ऐसे ही ग्रोथ होगा। तो ऐसी चीज़ हमें देखना चाहिए। उसके अलावा जो हम लोग ऑर्डर करते हैं माल का, तो कभी क्या होता है जो माल यहाँ पर चलता ही नहीं है वो हमारा ऑर्डर ही नहीं लेता है, कभी कभी गलती से वो माल आ जाता है। ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है, तो उस चीज़ में थोड़ा ध्यान देना चाहिए हम लोग को। क्योंकि क्या होता है, हम तो पेमेंट डाल देते हैं, हमारा पैसा फंसा रहता है, पैसा फंसने से भी बड़ा बात है गोडाउन में माल पड़ा रहता है, गोडाउन में ऐसी ज़्यादा कम है, उसके वजह से और हमें दिक्कत होता है। तो ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ हमें देखना चाहिए, बस यही कहना चाहता हूँ। और अदरवाइज प्रोडक्ट के बारे में बोलना मुझे नहीं लगता है, जो प्रोडक्ट के बारे में मुझे कुछ बोलना चाहिए, प्रोडक्ट खराब है या ऐसा करना चाहिए, प्रोडक्ट ठीक है एज ए गुड। सिर्फ जो जो नहीं है वो हमें अगर प्रोवाइड कर दिया जाए, और जो छोटी छोटी चीज़ है एक्टिविटीज बारे में वो सब किया जाए, तो हम लोग औरों से कहीं गुना आगे बढ़ के काम कर पाएंगे और ग्रोथ कर पाएंगे। बस इतना ही मुझे कहना है।